हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग। सो लीन सिस्टम एंड इनोवेशन चल रहा था, जिसमें मैंने पिछले दिन आपको जाते जाते बताया प्रोसेस इनोवेशन और बीपीआर का फर्क क्या है, है ना। बट उसके पहले क्विकली एक बार गो थ्रू तो करें। सात टाइप ऑफ वेस्ट याद है क्या? देखिए, तो पहला इन्वेंट्री, एक एक रे ऐसे हड़बड़ नहीं, रिपेयर और ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, तीन हुआ। वेटिंग, क्या चीज का वेटिंग? एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस के लिए स्टेप में वेटिंग। मोशन, पांच। इन्वेंट्री हो गया। डिफेक्ट्स, छह हुआ। एक और ओवर प्रोसेसिंग हो गया। फिर से बोलते, रुको रुको रुको, एक बार बोलते क्या क्या था? ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, मोशन, वेटिंग टाइम, डिफेक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन और इन्वेंटरी। ऐसे याद रहेगा कीवर्ड्स तो आपका काम बनेगा, बहुत अच्छा। बट क्या होता है, ये सब दो दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। जब साथ जुड़े हुए तो सब याद है, सब समझ में आता है। बट वही महीना भर बात पूछो तो सब जीरो पे जीरो। बट क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहने से यू कैन ऑलवेज रीस्टार्ट इट, दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब जैसे प्रोसेस इनोवेशन और बीपीआर का फंडामेंटल डिफरेंस अगर आपको पता है कि प्रोसेस इनोवेशन में वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेस ऑल टूगेदर, बट बीपीआर में वी विल इम्प्रोवाइज द एग्जिस्टिंग वन, एंड इफ वी इम्प्रोवाइज द थिंग्स वुड एक्चुअली बी क्वाइट डिफरेंट देन वॉट इट वॉज एग्जिस्टिंग। मतलब इम्प्रोवाइज भी ऐसे करना है कि जैसे पहले जो होता था उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया है। डिफरेंट हो गया है बट एकदम नया नहीं है, पहले था बट डिफरेंट हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने बाइक मैन्युफैक्चरिंग में दिया ना, जैसे हो सकता है पहले असेंबली लाइन में बनाते थे और आपने उसको फिर एक एक टीम ऑफ वर्कर को दे दिया, तुम लोग बना बना के दो। अब तो असेंबली लाइन में नहीं देके पूरा एक एक टीम को दे देना इज अ न्यू प्रोसेस, प्रोसेस इनोवेशन। नाउ प्रोसेस इनोवेशन मे नॉट नेसेसरली बी एफिशिएंट, याद है आपको डिफरेंस बोला था। इनोवेशन करते हो तो आप बस नयापन खोजते हो, अब वो काम का है नहीं है कोई जरूरी नहीं। बट बीपीआर में आप जो पहले कर रहे थे उससे बेहतर तरीका से करना है, एफिशिएंसी आना जरूरी है, तभी बीपीआर है, ठीक है। सो प्रोसेस इनोवेशन में यूजुअली बोलते हैं कि प्रोसेस इनोवेशन फॉल्स इनटू दीस थ्री कैटेगरीज। इफ यू सी प्रोसेस इनोवेशन कैटेगरीज, प्रोसेस इनोवेशन का कैटेगरीज, आई एम इन पेज नंबर 3.32, मेरा में 3.2, आपका में 3.2 ही है। प्रोसेस इनोवेशन कैटेगरीज, इसमें कैटेगरीज में नंबर ए है प्रोडक्शन में इनोवेशन हो सकता है, which is related to process, equipment and technology to enhance manufacturing or production process. This includes computer software. ठीक है, process innovation. And number B is delivery related हो सकता है, delivery process innovation, innovative tools involve in tools, techniques and software solutions to help in supply chain and delivery systems. This includes barcodes, tracking systems or shipping software. जो पहले आपके यहाँ नहीं था अब आपके यहाँ आ गया। Number C, support services में innovation दिखेगा। Innovation in processes aren't limited to simply production or delivery but also include purchasing में, maintenance में, accounting में, anywhere there can be innovation. ठीक है,
बस इनोवेशन में यही मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो पहले था वो अब नहीं होना, मतलब जो पहले एकदम ही नहीं था वो हो गया, तो प्रोसेस इनोवेशन है। और जो पहले था, समझ गए, जो पहले था उसको बेहतर कर रहे हैं तो उसको बीपीआर बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग एसजीसी में एक ऐसा टीम बैठाया जो टीम का नाम है स्टूडेंट सपोर्ट टीम, पहले नहीं था, तो सर वो टीम क्या करेगा, स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो आप वहां फोन करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। दैट इज स्टूडेंट सपोर्ट टीम। किसी भी तरह का समस्या के लिए, जैसे कॉल सेंटर होता है ना, वैसा कोई कॉल सेंटर जैसा टीम बैठा दिया, दैट इज इनोवेशन, बिकॉज ऐसा कुछ पहले था नहीं, समझ गए। दूसरा, अगर हम आप लोगों का मान लीजिए एनरोलमेंट प्रोसेस एसजेसी में अभी कैसे चलता है कि आप आते हैं मैनुअली फॉर्म भरते हैं और फिर आपको मनी रिसीट ड्रॉ करके दिया जाता है और फिर बैक ऑफिस का अकाउंट डेटा एंट्री का काम होता है। अब ये सिस्टम अगर चेंज करके पूरा ऑनलाइन एनरोलमेंट ही ला दिया जाए, जिसके कारण बैक ऑफिस का डेटा एंट्री जॉब्स खत्म हो जाए, मैनुअल से पूरा ऑटोमेट हो जाए, तो ये इनोवेशन नहीं है, ये बीपीआर है। बिकॉज ऐसा प्रोसेस पहले एग्जिस्ट करता था, अब उसमें परिवर्तन लाया गया, ठीक, और एक नया प्रोसेस क्रिएट किया गया जिसका पहले कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, तो वो इनोवेशन है। जैसे फोर्ड का केस स्टडीज तो आप ऑलरेडी देखे हैं, फोर्ड का केस स्टडी में इनोवेशन था फर्स्ट मूविंग असेंबली लाइन। इफ यू रिमेम्बर दैट मूवी क्लिप, डॉक्यूमेंट्री, जिसमें दिखा रहा था कुछ वर्कर अपने कंधों पे कार का प्लेटफॉर्म को खींच रहे थे और बीच बीच में रुक रहे थे, तो कुछ वर्कर आके उसके ऊपर काम करके हट जा रहे थे, तो दैट वाज मूविंग असेंबली लाइन। फिर फोर्ड ने इन्वेस्ट करके उसको ऑटोमेट कर दिया था, शुरुआत में उसको मैन्युअली ड्रैग किया एंड देन आफ्टर दैट उन्होंने उसको ऑटोमेट कर दिया। तो ये मूविंग असेंबली लाइन जो थी दोस्तों, वो इनोवेशन में आएगी, वो पहले नहीं होती थी, इन्होंने ही उसको बनाया, ठीक है। हाँ, अब आप बोल सकते हैं मूविंग लाइन को ऑटोमेट कर दिया, ये पहले तो फर्स्ट मूविंग लाइन मैनुअली बना है और फिर उसको ऑटोमेट कर दिया कि कन्वेयर बेल्ट पे चलेगा, वो इनोवेशन नहीं है, वो बीपीआर है। फिर जैसे ह्यूंडई का फैक्ट्री में उन्होंने बोला था ना कि हमने मूविंग लाइन को इलेक्ट्रिक से ड्रैग करवा दिया रादर देन एक बड़ा चेन से, जिससे कि नॉइज एकदम बंद हो जाए और अपने जो वर्क वर्क प्लेटफॉर्म थे उसको वर्किंग हाइट तक लिफ्ट करा दिया, जिससे कि वर्कर को झुक के काम नहीं करना पड़े। तो व्हाट वाज दैट इनोवेशन? नो, दैट वाज बीपीआर। नाउ इनोवेशन वाज कि रिपीटेटिव टास्क के लिए उन्होंने रोबोट्स बना दिए, दैट वाज इनोवेशन। इनोवेशन कम्स मेजरली थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखना, इन लोगों ने ये पॉइंट रेज भी किया था, प्रोडक्शन में इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी जब यूज करने लगते तो इनोवेशन होने लगता है। तो रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग वाज इनोवेशन। अभी कल फेसबुक में एक वीडियो घूम रहा था, मैं देखा कि एक रोबोट बनाया है किसी इंजीनियर ने जो भगवान की आरती कर रहा है, देखा आपने क्या, वो एक तरफ घंटी बजा रहा है और इस तरफ से आरती किए जा रहा है, और प्रॉपर एकदम पहले नॉर्मल किया फिर एकदम ऊपर से झुक झुक के किया ऐसे ऐसे करके। ये क्या इनोवेशन है? टेक्नोलॉजी यूज करके दिखा रहा है कि आपके घर में पुजारी नहीं हो तो रोबोट अपने टाइम से सब उसको सारा सामान दे दीजिए, वो पिकअप करके आरती करके चला जाएगा, ठीक है। तो फोर्ड मोटर कंपनी ने फर्स्ट मूविंग असेंबली लाइन बनाई जो इनोवेशन में आती है, ठीक है। द प्रोसेस नॉट ओनली सिंप्लीफाइड व्हीकल असेंबली बट शॉर्ट इन द टाइम नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ सिंगल व्हीकल फ्रॉम 12 आवर्स टू इमेजिन 90 मिनट्स। अच्छा, इनोवेशन से ड्रामेटिक चेंज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट बीपीआर से आना ही चाहिए। दैट प्रोसेस इनोवेशन क्रिएटिंग एन असेंबली लाइन टू स्पीड अप प्रोडक्शन नॉट ओनली बेनिफिटेड द ऑटो जायंट बट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अदर कंज्यूमर गुड्स। रिमेंबर,
कि असेंबली लाइन से फिर मोस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूमर के लिए बनने लगे थे, रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स. इट रिमेन्स द टिपिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन फॉर बिजनेसेस टुडे. और आज तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, अगर उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है तो वो असेंबली लाइन से ही बनता है. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू बीपीआर. बीपीआर का कॉन्सेप्ट मिस्टर माइकल हैमर, देख रहे हैं क्या, हैमर, माइकल हैमर, एक्स एमआईटी. एमआईटी का नाम सुने क्या? बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड का वन ऑफ टॉप इंस्टीट्यूट है. बेसिकली यूनिवर्सिटी आप ऐसा समझ लीजिए, मिसिसिपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर. हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड का नाम सुने ही है ना आप, उसके बाद ये एमआईटी का बहुत नाम है. एक्स एमआईटी कंप्यूटर प्रोफेसर टर्न कंसल्टेंट, उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तो ऑनलाइन है. बहुत सारा चीज है जो अगर आपको ये सब पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है, जैसे मैंने मैकिन्जी का सब्सक्राइब कर रखा. मैकिन्जी का कंपनी का नाम सुने हैं आप? मैकिन्जी यही सब काम करके देता है, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो सब काम करके देता है. वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर्म है, उनका एक मंथली मैगजीन निकलता है, तो सब्सक्राइब कर रखे हैं. अब क्या होता है, ऑब्वियसली हर महीना वो लोग तो अपडेट भेजते हैं, बट पढ़ने का उतना हिम्मत नहीं होता. बट अरे 12 महीना में 2 पेज भी पढ़ा तो वैल्यू एडिशन तो है. तो वो लोग क्या है ना, कि अगर कोई भी इनोवेटिव तरीका उन्होंने फॉलो किया किसी कंपनी में और उससे सक्सेस पाया, तो लोग उसमें बताते हैं. तो दैट इज द बेस्ट पार्ट देयर. ओके, सो इसमें इन्होंने एक की फ्रेज यूज किया था बीपीआर के लिए, डोंट ऑटोमेट ऑब्लिटरेट, डोंट ऑटोमेट बट ऑब्लिटरेट. मतलब एक टाइम आया था जब, उस समय जब इन्होंने बुक लिखा 1989 के आसपास, उस समय सबको को खाली एक भूत चढ़ गया ऑटोमेशन करने से, यानी वही असेंबली लाइन का ऑटोमेशन होने से बहुत फायदा होगा. तो इन्होंने ये समझाया कि ऑटोमेट ही सारा सोल्यूशन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं. ऑब्लिटरेट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन, मतलब पूरा रीवैम्प. ऑटोमेट इज, यू कैन से यू आर फोकसिंग ऑन वन स्पेसिफिक थिंग. यू वेर डूइंग अ मैनुअल जॉब, नाउ यू वॉन्ट टू ऑटोमेट इट. ऑब्लिटरेटिंग इज रीस्टार्टिंग, यू हैव टू ब्रिंग अ ड्रामेटिक चेंज, दैट्स ऑब्लिटरेटिंग. ऑल्दो सेवरल मेजर कंपनीज हैड बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद री इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स प्रायर टू दैट टाइम, हैमर इज जनरली क्रेडिटेड विथ फर्स्ट यूजिंग द टर्म री इंजीनियरिंग. हैमर डिफाइन्स बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और सिंपली री इंजीनियरिंग. उन्होंने अपने तरफ से जो डिफिनेशन दिया, एज अ फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस टू अचीव ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स इन क्रिटिकल कॉन्टेम्पररी मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस सच एज कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड. सो ही फोकस्ड मोर ऑन फंडामेंटल रीथिंकिंग. अभी आपको एक एक का चीज मतलब समझना है. फंडामेंटल रीथिंकिंग क्या है, रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस क्या है, टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स वगैरह का मतलब क्या है, सबका मतलब समझना है. द फर्स्ट की वर्ड इज फंडामेंटल रीथिंकिंग, इसी को बीपीआर का पहला कॉम्पोनेंट बोल रहे हैं. सेकेंड की वर्ड इज रेडिकल रीडिजाइन, थर्ड इज ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स एंड फोर्थ इज एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस. हम लोग बोलते हैं ये आपका बीपीआर का 4 की कॉम्पोनेंट्स है. अगर आप ये 4 करते हो तो बीपीआर कर रहे हो. नाउ व्हाट इज फंडामेंटल रीथिंकिंग, मतलब रीथिंकिंग में आप ये मत सोचना कि हम लोग सब कुछ नया शुरू कर रहे हैं. हम लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं, समझो आपका ये सिस्टम अभी अभी चल रहा था, अच्छा है, आप इसको बदलने के लिए कैसे सोचोगे? सोचिए कि आप आज एक नया बिजनेस शुरू करते आज के जमाने में. ओके, फंडामेंटल रीथिंकिंग मतलब फंडामेंटल से सोचो, जीरो बेस पे आके सोचो कि आज आप एक नया चीज करते आज के जमाने में, तो
अगर उसे अभी अभी के जरूरतों के हिसाब से शुरू किया जाता तो आप किस तरह से सोचते कि ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए? फंडामेंटल रीथिंकिंग उसको बोलते हैं। आप भूल जाइए कि आपके पास एग्जिस्टिंग कुछ है, फॉरगेट व्हाट यू हैव नाउ, इंस्टेड रीथिंक कि हाउ इट इज सपोज टू बी इफ इट वुड हैव बीन स्टार्टेड टुडे ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट इज फंडामेंटल रीथिंकिंग। ठीक है, जैसे कि अभी का जो जमाना है, हमें अब मैं आपको ज्यादातर एग्जांपल एसजेसी से दूंगा क्योंकि आप जल्दी कनेक्ट कर लोगे, बाहर का चीज को एक बार समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे तो आप सब चीज विजुअलाइज कर सकते हो। अभी मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, एक नोटिस बोर्ड होता है, करेक्ट? अब फंडामेंटल रीथिंकिंग जब उसके लेके करते हैं कि हाउ द नोटिस बोर्ड शुड बी प्लेस्ड, एक एग्जाम्पल एक केस है, हाउ द नोटिस बोर्ड शुड बी प्लेस्ड एज पर द करेंट जमाना, द नोटिस बोर्ड्स शुड बी इलेक्ट्रॉनिक। अग्री? द नोटिस बोर्ड इन ट्रेडिशनल वे बाई टेकिंग प्रिंट हैंड रिटन नोटिस और टेकिंग प्रिंट आउट्स एंड फिक्सिंग इट, द टाइम हैज गॉन। वो बहुत पुराना हो गया, स्कूलों में चलता था कि हैंड रिटन नोटिस चिपका दिया या फिर ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर से प्रिंट आउट मार के प्रिंसिपल का साइन करके चिपका दिया। अब नया जमाना क्या आ गया, नोटिस बोर्ड में ग्राफिक्स आएगा, मतलब हैंड रिटन तो कुछ नहीं होगा, ग्राफिकल कुछ होना चाहिए, कोई पोस्टर वोस्टर डिजाइन किया हुआ होना चाहिए जो अपीलिंग हो। इट इज यू कैन से द प्रेजेंट एरा जो स्कूलों में भी आजकल होने लगा है। अब एक और एडवांस जमाना आ गया है कि फिजिकल पेपर यूज ही नहीं होगा, हैज टू बी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड। सो दिस इज फंडामेंटल रीथिंकिंग। हैड इट बीन अ न्यू प्रेमाइस दैट यू आर बिल्डिंग अप एंड यू आर विलिंग टू पुट अ नोटिस बोर्ड ओवर देयर, हाउ यू वुड हैव डन इट एज पर द लेटेस्ट सिनेरियो। फंडामेंटल रीथिंकिंग इज ऑल्सो डिमांडिंग दैट यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द एनवायरमेंट, उसके हिसाब से आप रीथिंक करोगे। आप फंडामेंटल रीथिंकिंग मतलब आज से 50 साल पीछे जाके रीथिंक नहीं करना है, आज के डेवलपमेंट्स के हिसाब से रीथिंक करिए। तो आज का जमाना क्या है, केओस्क वाला जमाना है। आप मॉल में जाते हैं, वहां पे नोटिस बोर्ड बोल के क्या है, केओस्क है। वो केओस्क में आपको जो बेसिक है वो दिखा रहा है, फिर फाइंड एनीथिंग हियर, तो आप उसमें दो चार बटन दबाओगे आपको दिख जाएगा। तो दैट इज द टाइम ऑफ न्यू नोटिस बोर्ड। सो फंडामेंटल रीथिंकिंग इज सेइंग कि आपके पास एग्जिस्टिंग कुछ है वो ठीक है, अब उसके बारे में फिर से सोचिए कि अगर ये आज के जमाने में होता तो कैसा होता। अंडरस्टूड? रेडिकल रीडिजाइन इज अबाउट रेडिकल रीडिजाइन। रेडिकल मतलब होता है मेजर, बड़ा, मतलब ड्रास्टिक बोल सकते हैं, मतलब एकदम खतरनाक। रीडिजाइन मतलब एकदम ही पहले जैसे था उससे हटके, मच डिविएटेड फ्रॉम द यूजुअल नोशंस, दैट इज रेडिकल रीडिजाइन। मतलब आप जो करते थे उससे एकदम हटके कुछ करो, तब री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट बाहर आता है। मतलब अगर आप बोलेंगे जैसे हमारा वो नोटिस बोर्ड वही रहेगा, बस सब हैंड रिटन की जगह प्रिंटआउट्स लगा देंगे, तो रेडिकल नहीं हुआ, रीडिजाइन हुआ, रेडिकल नहीं हुआ। अगर आप बोलेंगे कि हम तो वो हटा के एक ग्राफिकल पोस्टर लगा देंगे, तो रीडिजाइन हुआ, रेडिकल नहीं हुआ। रेडिकल तब हुआ कि वो नोटिस बोर्ड ही हटा के एक एलईडी बोर्ड लगा दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। रेडिकल रीडिजाइन इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द आउटकम दैट इज गोइंग टू बी विजिबल। देन थर्ड इज ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट। ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इज जैसे उसमें रिसोर्स वगैरह या एफर्ट वगैरह बहुत अब कम लगना चाहिए, या जो आपका यहाँ पे पॉइंट है ना, कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड, इस चारों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ये चारों पैरामीटर में कॉस्ट,
कॉस्ट में बहुत कम हो जाना चाहिए, कॉस्ट क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, सर्विस बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, या समझ लीजिए कि आउटपुट का तेजी बहुत ज्यादा होना चाहिए. एंड दैट हैज टू बी अ टारगेट विच शुड सीम, एक बार सुन के नॉन फिजिबल, एक बार सुन के ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये कैसे होगा, मजाक करते. जैसे बैंकों ने अपने यहाँ पे री इंजीनियरिंग किया इंडिया में, कि जो लोन एप्लीकेशन थे वो आज भी काफी जगह बड़े बड़े प्रपोजल्स में 6 6 महीना 7 7 महीना ले लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हम लोगों को इतना चेक कर लगाना पड़ता है. बट बैंकों ने अपने लिए एक टारगेट लिया, इट हैज टू बी इंस्टेंट. अब वही सोचिए, जो वहां की टीम थी वो सोची होगी अरे क्या बोल रहे बॉस आके, जो काम 6 महीने का है उसको इंस्टेंट करना है. हाँ करना है. तब उनका एक री इंजीनियरिंग ड्राइव शुरू हुआ एंड दे केम अप विद द आइडिया, लोन अप्रूवल इन 1 मिनट. आता है कि नहीं आता है, एड आता है ना ऐसा, इंस्टेंट लोन अप्रूवल. उसमें वो आपके डेटा को ट्रैक कर रहे हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट्स को के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर रहे हैं, आपके प्रोफाइल को बना रहे हैं, और वो लोग अपना रिस्क रिस्क लेवल को बढ़ा रहे हैं. अपना वो लोग रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अपना कॉर्पस नॉन रिस्की एसेट्स में थोड़ा ज्यादा पार्क कर दिया, उनको तो ओवरऑल रिस्क मेंटेन करना है, नॉन रिस्की एसेट्स में थोड़ा कॉर्पस को ज्यादा पार्क कर दिया, और कुछ अपने फंड पे अब रिस्क लेते हैं जानबूझ के, एंड वो रिस्क लेवल उस पर बढ़ाकर वेटेड एवरेज वे में रिस्क को कम कर लिया. अब वो रुपया उनको मान लो चूल्हा में डालना है, ऐसा ही समझ लो, वैसा सोच के रखें, फिर देखेंगे नसीब से रिकवर हो गया तो हो गया. मतलब दे प्ले विद दिस एंड वो रिस्क लेते हैं और उस पर रिटर्न भी बहुत अच्छा आ जाता है उनका. तो वही लोन अप्रूवल इन 1 मिनट वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें वो लोग बेसिक डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू स्कैन कर लिया, एंड उसके बाद एक बार प्राइमा फेसी एक आपको अप्रूवल दे दिया कि इतना तक आपको मिल सकता है, सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट टू एक्चुअल वेरिफिकेशन. एक बार आपको आइडिया दे दिया, फिर एक्चुअल वेरिफिकेशन में वो लोग और दो चार चेक लगाए. एंड कई बैंकों ने तो क्या किया कि इसमें भी उनको बहुत टाइम लगता था, तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज वो लोग उन्हें वो काम को भी आउटसोर्स कर दिया. आउटसोर्स करने से सामने वाला आदमी खाली बैठा है, उसको तो यही काम करना है सिर्फ, बैंकों को तो और भी बहुत सारे काम करने, तो आउटसोर्स कर दिया. वो फटाफट आया, अपना आदमी दौड़ा के काम वेरिफिकेशन करवा लिया और डेटा सबमिट कर दिया. डेटा सबमिट कर दिया तो 7 दिन के अंदर अंदर लोन अप्रूव होके निकल गया, डिसबर्स हो गया 7 डेज, जबकि ये प्रोसेस 6 6 महीना का एक्सटेंड होता था. आज भी कोई बड़े बड़े लोन में होता होगा, बट छोटा मोटा लोन, गाड़ी का लोन चाहिए आपको, आपको पर्सनल लोन चाहिए, सब 7 दिन का खेल हो गया. इट इज एक्चुअली 7 डेज फेनोमेनन. सो व्हाट वाज दैट, इट वाज नथिंग बट ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ सर्विस. पीपल कुड नॉट इमेजिन कि ऐसा भी बैंक में हो सकता है, बट हुआ. करेक्ट. उसी तरह से नोटबंदी, इट इज अ री इंजीनियरिंग एग्जाम्पल. नोटबंदी आई विल नॉट से प्रोसेस इनोवेशन, इट इज री इंजीनियरिंग. पूरा इकोनॉमी में जो कैश इकोनॉमी था उसको री इंजीनियर कर दिया. जीएसटी आके अकाउंट्स को री इंजीनियर कर दिया. जो सब कच्चा कच्चा करते थे सबको पक्का में आना पड़ा. और कच्चा वाले मतलब अगर जीएसटी रिजाइम में पक्के में नहीं आते तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट 20 30% बढ़ रहा था, तो उनको झक मार के सब चीज व्हाइट में आना पड़ा. तो ऐसा नहीं था कि बिजनेस पहले कर नहीं रहे थे, कर रहे थे, ब्लैक मनी में कर रहे थे, अब व्हाइट मनी में करने लगे, तो हुआ क्या, री इंजीनियरिंग हुआ. नाउ देयर इज अ ड्रामेटिक चेंज इन द बिजनेस द वे दे वेर डूइंग. ओके, सो दिस इज नंबर 3. एंड फोर्थ इज एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि बीपीआर में स्टार्ट से एंड तक का सोल्यूशन आना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्ट पे आपने काम किया. अब एंड टू एंड प्रोसेस मतलब बोलना चाह रहे हैं कि सोर्स टू डेस्टिनेशन,
रिलेटेड टू वन प्रोसेस शुड बी कंप्लीटली रिवैम्प्ड एंड उसका पूरा मैकेनिज्म आपको डिजाइन करना पड़ेगा. इट कैन नॉट बी जस्ट अ सेगमेंट, इट हैज टू बी फुल एंड टू एंड प्रोसेस. अब इसी का डिटेल डिस्कशन यहां पे वापस किया हुआ है. मैं यहां पे छोटा छोटा लिखते जाऊंगा. जैसे फंडामेंटल रीथिंकिंग इज सेइंग स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम जीरो अगेन एज इफ यू नेवर हैड दैट पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोसेस एंड यू आस्क योर सेल्फ वाई डू वी डू इट द वे वी डू इट. सोचिए कितना बेसिक क्वेश्चन है. मैं यहां क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा था, इस तरह से क्यों करना चाहिए, क्या और कोई तरीका नहीं है. रेडिकल रीडिजाइन इज आस्किंग यू टू रीडिजाइन एज पर प्रेजेंट एरा. रीडिजाइन एज पर प्रेजेंट एरा. ये देखिए, द गोल इज टू री इन्वेंट वॉट इज डन एंड हाउ इट इज डन रादर देन टू टिंकर विद द प्रेजेंट सिस्टम. जैसे फोर्ड के लिए इसमें एक एग्जाम्पल आता है. फोर्ड ने अपना जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया था उसमें इतने सारे तो पार्ट्स आते थे उनके, तो हर पार्ट्स के अलग अलग सप्लायर भी निकलते थे. जापानीज ने उस चीज को बहुत समझदारी से रोका बाई having single point source for at least one type of material. But Ford वगैरह के केस में क्या था कि एक तरह का material भी अलग अलग तरह लोगों supplier से आ रहे हैं. तो supplier management इतना बड़ा एक task था Ford की company में कि उनको एक अलग procurement team बैठा के रखना पड़ता था, which was having some 500 employees at that time, only to monitor purchase system. And उनका task क्या था कि supplier जो delivery कर रहा है तो stores में करता था, traditional system में. तो पहले purchase order गया कि नहीं, फिर वो delivery किया, flow को समझिएगा, purchase order गया कि नहीं, delivery किया तो delivery के समय receipt नोट हम लोग इशू करते हैं, उसका नाम है GRN, गुड्स रिसीट नोट, GRN. जब वो डिलीवरी करते हैं सप्लायर तो रिसीव करके सब चेक करके GRN स्टोर्स वाला इशू करता है. तो GRN में प्रॉप जो लिखा हुआ था वो परचेज ऑर्डर से मैच किया कि नहीं, फिर सप्लायर इनवॉइस भेजता है तो इनवॉइस परचेज ऑर्डर और GRN से मैच करता है कि नहीं. फिर सप्लायर जो इनवॉइस में भेजा, अगर प्रोडक्शन में कोई रिजेक्शन आ गया जो स्टोर्स में नहीं मिला, तो ऐसा कोई रिजेक्शन का नोट कहीं से ट्रांसफर हुआ है कि नहीं. एंड देन उसके बाद सप्लायर को जब पहली बार आइडेंटिफाई किए थे तो उसने टर्म्स एंड कंडीशन कुछ बताए होंगे, अपना कोटेशन दिया होगा, उससे मैच करो कि उसमें सब जो बोला था वैसा ही इनवॉइस आया कि नहीं. मतलब देयर वेर सो मेनी चेक्स कि इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था. Then they started rethinking. Rethinking जब किया दोस्तों, तो उन्होंने पहले एक टारगेट बनाया कि इस तरह से इसको रीथिंक करो कि 500 एम्प्लॉय 400 हो जाए. उनके लिए उस समय वो भी एक बहुत बड़ा एक इंप्रूवमेंट का स्कोप दिख रहा था उन्हें. 500 का 400 हो जाए, 100 आदमी कम हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा. बट द फैक्ट इज उन्होंने ऐसा रीथिंक किया द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वे रिड्यूस टू टू डिजिट्स, 5, 10, विदिन 5 and 10 दे ब्रॉट इट. एंड हाउ दैट वॉज पॉसिबल, दैट वॉज पॉसिबल बाई हैविंग वही जो मैंने सिस्टम आपको बताया था कि डिलीवरी के समय ही उसका
स्कैन वगैरह करके परचेज ऑर्डर से रिटेलिएट कर लिया जाएगा पॉइंट ऑफ रिसीट पे ही, और जो रिसीव कर रहा है वो स्टाफ स्मार्ट होना चाहिए, उसको सुपरवाइज करने वाला कोई स्टाफ स्मार्ट होना चाहिए, जो JIT में था उसको वापस वहां पे वेरीफाई जो करना है कर लेना है, वापस परचेज डिपार्टमेंट में जाके वेरीफाई करने का जरूरत ही नहीं है। सप्लायर को बोल दिया गया कि आप लोग ऐसे खुजरा खुजरा इन्वॉइस मत भेजिए, एक मंथली कॉन्सोलिडेटेड इन्वॉइस भेजिएगा, और कॉन्सोलिडेटेड इन्वॉइस को खाली एक ही डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करना था, और वो था पॉइंट ऑफ रिसीप्ट पे जो आया है वही सत्य है और सब कुछ गलत है, उसको मैच कराया और एक बार में पेमेंट कर दिया। तो दैट ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट व्हेन दे सॉ इन देयर एग्जिस्टिंग परचेज सिस्टम, इट वाज नेम्ड BPR। ठीक है, तो ये आएगा आगे जाकर, ये जरा सा यहां पे बोला गया, देखिए, फॉर एग्जाम्पल द री इंजीनियरिंग ऑफ फोर्स प्रोक्योरमेंट प्रोड्यूस प्रोसेस रिड्यूस द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस बाई 75%। 75% मतलब मैं तो आपको 5-10 ही बताया है, बट यहाँ पे जैसे लिख रहा है वो अभी एक बार के लिए बता रहा है कि वो 25% पे आ गया, मतलब 500 का 100 पे आ गया, बिलो 100 क्या डबल डिजिट पे आ गया था, आपको ये बता रहा हूं। ओके, सो अचीविंग ड्रामेटिक पर इम्प्रूवमेंट इज ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट का टारगेट होना चाहिए, अगर ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट का टारगेट नहीं है तो आपका BPR ही नहीं है। तो जो काम आप करते थे पहले उसे आप बोलते हो 20% कम समय में करेंगे तो कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है, जो काम आप करते थे पहले अब उसको जीरो में करोगे, जैसे बैंकों ने किया कि 6 महीने का काम बोलते एक दिन में करेंगे या इंस्टेंट करेंगे, दैट वाज ड्रामेटिक, करेक्ट। तो ड्रामेटिक चेंज होना चाहिए, जैसे 500 हजार का नोट कितने ही साल से शैडो इकोनॉमी में घूम रहा है, डुप्लीकेट नोट कितने ही साल से आ रहा है, बहुत सारे नेता कोशिश कर रहे हैं, बस वो रात को 8 बजे आके मित्रों बोले 12 बजे तक सब खलास, अगला 1 महीना के अंदर अंदर इतना बड़ा इकोनॉमी में से पूरा वो नोट गायब, दैट वाज ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, ड्रामेटिक चेंज इसी को बोलते हैं। इट कैन नॉट कुड नॉट हैपन ओवर द ईयर्स बट इट हैपेंड इन दैट सम स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट, री इंजीनियरिंग फोकसेज ऑन एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस, मतलब हम लोग यही बोल रहे हैं कि वी शुड चेंज एंटायर प्रोसेस, नॉट जस्ट अ सिंगल ऑपरेशन, नॉट जस्ट अ सिंगल ऑपरेशन, नॉट जस्ट अ सिंगल ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन और प्रोसेस में फर्क क्या हुआ सर? जैसे प्रोक्योरमेंट में मैंने बोला ना कितना सारा फंक्शन था, उनका फंक्शंस क्या क्या था कि पहले सप्लायर गुड्स डिलीवर करेगा तो वो अपना एक डिलीवरी नोट दे के जाएगा, उसको परचेज ऑर्डर से मैच कराओ, फिर GRN इशू करो, फिर GRN से आप अपना सप्लायर का इन्वॉइस का इंतजार करो, सप्लायर का इन्वॉइस को सबसे टैली कराओ, फिर सप्लायर इन्वॉइस को कंसोलिडेट करके उसको पेमेंट करो, फिर कोई रिजेक्शन वगैरह हुआ तो उसको भी खोज के एडजस्टमेंट करो, फिर रेट वेट से मिलाओ, देर आर सो मेनी एक्टिविटीज। नाउ इफ यू आर जस्ट चेंजिंग इन्वॉइसिंग प्रोसेस, इन्वॉइसिंग एक्टिविटी, देन देर इज नो BPR, यू हैव टू चेंज द एंटायर परचेज प्रोसेस, देन देर इज BPR, कि अब ऐसे परचेज प्रोसेस हैंडल नहीं करेंगे, अब नया तरीका से हैंडल करेंगे। तो ऑपरेशन मतलब यू कैन से एक्टिविटी एंड प्रोसेस मींस द चेन ऑफ एक्टिविटीज। ओके, यू कैन नॉट जस्ट चेंज वन एक्टिविटी, व्हाट यू हैव टू चेंज इज द पूरा चेन ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट रेज कर रहे हैं, यहां पर पूरा पैरा में एक अच्छा पॉइंट बता रहे हैं कि पहले जब री इंजीनियरिंग नहीं था तो हम लोग असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा मेन चीज क्या सीख रहे थे, फोर्ड का रेप्लिकेशन जो चारों तरफ दुनिया में हो रहा था, वो लोगों ने ये सोचा कि बड़ा कंपनी चलाना मतलब एक बड़े काम को छोटे छोटे एक्टिविटी में तोड़ना, और जितना ज्यादा एक्टिविटी में आप तोड़ोगे और उसके लिए उतना मैन पावर आप हायर कर लोगे तो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उनका बेसिक फिलोसॉफी यही था, फोर्ड का इनोवेशन प्रोसेस का यही था कि किसी भी काम को कराओ तो उसको बहुत सारे स्टेप्स में तोड़ो, हर स्टेप के लिए आदमी रख दो,
वो एक ही स्टेप करता रहेगा तो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो उस समय के लिए इनोवेशन भी था उस समय के लिए और जरूरत भी था। बट जब ज्यादा आदमी होने लगे तो कॉस्ट बढ़ने लग गया। अगर सेल्स डिक्लाइन करेगा तो ये ज्यादा आदमी चलेगा नहीं, हल्का सा मार्केट शेयर में अफेक्ट आएगा तो इतना ज्यादा कॉस्ट आप कहां से बियर करोगे। तो उसका सोल्यूशन वापस बीपीआर में क्या किया गया मालूम, एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस में वापस कॉन्सोलिडेट करो, एक आदमी को मल्टीपल टास्क दो और ऐसा कुछ करो ना कि उसके लिए टास्क ही कम हो। जैसे आप एक टास्क को 50 स्टेप में तोड़ते हो तो 50 स्टेप में टूट रहा है मतलब 50 काम है वहां। तो इस तरह का टास्क क्रिएट करिए जिसका ब्रेकअप ही 5 हेड में ही हो, वो आपको सोचना होगा। दैट इज री इंजीनियरिंग, एंड टू एंड सोल्यूशन। ओके, तो यहां पे फोकस वॉज ऑल्सो ऑन कॉन्सोलिडेशन ऑफ टास्क, फोकस ऑन कॉन्सोलिडेशन ऑफ टास्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एक वीडियो दिखाया था क्या अमेजन गो का, नहीं देखे थे आप? मुझे खाली वो देख के बताइएगा कि ये इनोवेशन है कि बीपीआर है। Four years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. क्या था ये, इनोवेशन था कि बीपीआर था? हाँ, बीपीआर था विथ इनोवेशन because they were using technology. Now, why should we say it was more of PPR? Because the shopping system already existed. ठीक है ना? अब अगेन इसमें इनोवेशन भी ज्यादा पुश किया जा सकता है। जैसे इंडिया में अमेजन का कोई स्टोर नहीं है, आपका ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है? तो इसमें तो ये लोग फिजिकल स्टोर बनाए हैं, तो दे हैव क्रिएटेड अ न्यू थिंग ऑल टुगेदर। अमेजन गो एक स्टोर जैसा है, करेक्ट? तो अमेजन गो अगर एक स्टोर है जो मान लीजिए उनका वॉशिंगटन में पहले से था, जिसमें आप नॉर्मल डिपार्टमेंटल स्टोर के तरह जाके शॉप करके आ जाते थे, तो उसमें अमेजन गो डालना इज बीपीआर। बट जैसे इंडिया के लिए तो ये प्रोसेस इनोवेशन ही हुआ ना, यहां तो स्टोर है ही नहीं,
और ऐसा एक स्टोर निकल जाए जिसमें कोई आदमी नहीं, कोई अटेंडेंट ही नहीं, और अटेंडेंट को कस्टमर से कोई लेना देना नहीं, आपको जो लेना है वो लेके चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। टेक्नोलॉजी ऐसा है कि आपको बस अपना फोन स्कैन करके घुसना है और बाहर निकल जाना है। ओके, तो बीपीआर एंड इनोवेशन को थोड़ा साथ साथ लेके भी सोचना पड़ता है। तो इसमें यह है कि जो आपने देखा यहां पर कि आदमी कम हो गए जो कस्टमर सर्विस के लिए चाहिए होते हैं मेजरली एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, वो आदमी कम करना इज एक्चुअली एन इंडिकेशन ऑफ बीपीआर, जिसमें कस्टमर खुद ही अपने आप को सेल्फ हेल्प में सारा सर्विस दे पा रहा है, दैट इज बीपीआर। इसी में ऐसा एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंसिडर द एक्टिविटीज सच एज रिसीविंग अ कस्टमर्स ऑर्डर, ध्यान देना एक्टिविटी देखो, सच एज रिसीविंग अ कस्टमर्स ऑर्डर, चेकिंग कस्टमर क्रेडिट, मतलब कस्टमर को कितना और उधार देना चाहिए, वेरीफाइंग इन्वेंटरी, एक्सेप्टिंग द ऑर्डर, पिकिंग द गुड्स इन द वेयर हाउस एंड शिपिंग द गुड्स टू द कस्टमर एज डिस्क्रीट एक्टिविटीज। ये सारा एक चेन है, ऑर्डर प्रोसेसिंग चेन है ये, जिसके अंदर कितनी सारी एक्टिविटी है। कस्टमर को मतलब है क्या, वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप अंदर में कितना प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? द आंसर इज नो, कस्टमर इज लीस्ट बॉदर्ड, उसको खाली ये देखना है कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद मेरे को कब तक मिलता है भाई। री इंजीनियरिंग वुड चेंज आवर इम्फेसिस बाय ब्रेकिंग डाउन द वॉल्स अमंग द सेपरेट फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स, इंस्टेड ऑफ ऑर्डर टेकिंग, पिकिंग, शिपिंग एंड सो फोर्थ, द एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट वुड बी एग्जामिन्ड एंड वुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज एक्टिविटीज ओनली दैट एड वैल्यू टू द कस्टमर। The customer is not concerned with the individual task that an organization undertakes to fill an order, nor is the customer concerned with how the company organizes itself to carry out those jobs. The customer is concerned only with getting the right goods in proper quantity, in satisfactory condition, and at the agreed upon time and price. तो आपको अपना system design करते वक्त ऐसा कुछ सोचना होता है कि ये सारी activities कम हो जाए, करेक्ट। इसी का बेस्ट एग्जाम्पल था अमेजन गो, इसी का ही अमेजन गो एक बेस्ट एग्जाम्पल था कि इतना सारा एक्टिविटी होता है जनरली एक कस्टमर का डिलीवरी को फुलफिल कराने में। अब यहां पे सिस्टम क्या है, यहां पे सिस्टम क्या है कि आप आइए देख लीजिए, जो है जो नहीं है नहीं है, आप आके लेके चले जाइए। मतलब आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमने नहीं दिया, हमारे पास आदमी नहीं था, हम लोग पहुंचाए नहीं, आप आइए लेके चले जाएगा तुम। तो कस्टमर को खाली यही रहता है कि अपने को जाना है और जो जो अपने को पसंद है उठा के ले आना है, खत्म। ट्रेडिशनल ग्रोसरी शॉप्स जो होते थे, अगर वो ग्रोसरी शॉप ने अपने आप को डिपार्टमेंटल स्टोर में चेंज कर लिया, ओके, तो हुआ क्या, री इंजीनियरिंग हो गया। ग्रोसरी शॉप में हम फोन करते हैं, भैया ये वाला ले लीजिए, ये वाला दे दीजिए, ये वाला दे दीजिए, तो दिख के बोलता है ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। अच्छा, सारा ऑर्डर हो गया, आपका पुराना बिल इतना बाकी है, वो पहले पेमेंट करवा दीजिए तो अच्छा रहेगा, फिर हम रेडी करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर हम एक दिन इतना बजे आके पहुंचाएंगे, फिर आपका अकाउंट आपको भेज देंगे। कितना सारा एक्टिविटी, और वही डिपार्टमेंटल स्टोर में सिस्टम क्या है, आपको जाना होगा एंड जाके लेके आ जाना होगा। पिकिंग टू बी अलाउड टू बी डन बाई कस्टमर्स इटसेल्फ। तो अगर ऐसा हो जाता है तो री इंजीनियरिंग हो गया। प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीआर में ही चार कॉम्पोनेंट क्लियर है, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट एंड एंड टू एंड प्रोसेस। का मतलब है कि पूरा चेंज करना है, किसी एक एक्टिविटी को खाली चेंज नहीं करना है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये भी बहुत अच्छा है। ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स, फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स। अब इसको समझना पड़ेगा तभी आप इसका इंप्लीकेशन समझ पाओगे कि यहां पे क्या बोल रहे हैं। ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम का मतलब क्या होता है कि जैसे समझिए कि वही कस्टमर वाला एग्जांपल, उसको क्या चाहिए,
उसने ऑर्डर प्लेस किया और वो चाहता है कि जिसे ऑर्डर प्लेस किया वही फटाफट हमें गुड्स लाके दे दे। बट बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है ट्रेडिशनली आज भी कि आप जिसे ऑर्डर प्लेस करते हो वो जाके फिर किसी और को वेयर हाउस में चेक करता है, फिर वो फिर वेयर हाउस में अवेलेबल होता है तो एक पर उसका डिलीवरी ऑर्डर बनवाता है किसी और से, डिलीवरी ऑर्डर बनने के बाद किसी और से अकाउंटिंग इनवॉइस बनवाता है, वो उसका क्रेडिट वैलिडेट करता है, उसके बाद वो वापस घूम के स्टोर कीपर के पास आता है, स्टोर कीपर फिर उसको निकाल के रेडी करके पैक करके फिर डिलीवरी बॉय से डिलीवर करवाता है। सो मेनी एक्टिविटीज। तो जब हम जिसको ऑर्डर प्लेस किया हम उसको फोन करेंगे, अरे भैया क्या हुआ, तो वो बोलेगा कि अरे सर अभी तो उसके पास है, अभी तो उसके पास है। तो ऐसा लगता है कहानी कर रहा है, बट हो सकता है कि प्रोसेस ही है उनका, कोई उपाय नहीं है। तो री इंजीनियरिंग इज सेइंग दैट यू शुड हैव वन पॉइंट सोल्यूशन फॉर योर कस्टमर्स। मतलब कस्टमर जहां ऑर्डर प्लेस किया ठीक वही आदमी डिलीवर कर दे, वो इतना सारा आदमी में घूमेगा तो री इंजीनियरिंग कभी होगा नहीं। द बेसिक आइडिया इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एक्टिविटीज, बट दे आर सेइंग ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स। मतलब जो फाइनल आउटकम होता है उसी के आसपास ही उसकी सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसको दिख रहा हो तो और भी अच्छा है कि क्या हो रहा है, वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। नहीं दिख रहा है तो तुरंत तुरंत अपडेट आते रहना चाहिए। जैसे आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं तुरंत अपडेट आता है ना कि योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, फिर तुरंत आता है योर ऑर्डर हैज बीन प्रोसेस्ड एंड रेडी फॉर डिस्पैच, देन थर्ड मैसेज आता है योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड, देन फोर्थ मैसेज आता है योर ऑर्डर इज आउट फॉर डिलीवरी, इट मे रीच यू एनी टाइम टूडे, फिर डिलीवर होने के बाद इट हैज बीन डिलीवर्ड। ये क्या है, ये सिंस यहां पर जहां पे ऑर्डर प्लेस किया वहां पर प्रोसेसिंग हो नहीं पा रहा है इसलिए ये लोग फटाफट अपडेट भेज रहे, सो दैट यू आर फीलिंग दैट जिनको ऑर्डर प्लेस किया वो लोग फटाफट काम पे लग गए। और एल्स कंसिडर लाइक अ डिपार्टमेंटल स्टोर, कि वहां पे आप जहां ऑर्डर प्लेस करते हैं आपको बेसिकली वो डिपार्टमेंटल स्टोर में अपना पिकअप करना है और एक ट्रॉली में लेके आना है, बिलिंग बॉय को देना है, अब बिलिंग बॉय तुरंत तुरंत पैक करके पेमेंट लेके आपको रेडी करके दे दिया। तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग अराउंड आउटकम्स, इट शुड बी वन स्टॉप सॉल्यूशन। सिमिलरली बैंक्स ने ये कॉन्सेप्ट लाया बाय कीपिंग प्राइवेट बैंक्स में रिलेशनशिप मैनेजर्स। रिलेशनशिप मैनेजर सुने क्या, ये बैंक में जो प्रीमियम अकाउंट होल्ड करते हैं उनके, वो लोग बंच ऑफ अकाउंट्स एक एक मैनेजर को दे देते। मैनेजर का काम क्या है, ही शुड बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द नीड्स ऑफ दैट कस्टमर। अब वो कस्टमर को अगर एक नया बैंक अकाउंट खुलाना है इससे बात करें, एक वो कस्टमर को अगर कोई अपने केवाईसी में अपडेट कराना है इसी से बात करें, वो कस्टमर को अगर कोई नया लोन अप्लाई करना है इसी से बात करें, कोई नया डिपॉजिट करना है इसी से बात करें, मतलब जो बैंकिंग नीड है उसका, वो सब का सब वन पॉइंट सॉल्व होना चाहिए। एंड उसी का ही काम है कि वो ये नहीं कि सर हम दे दिया है, हम इसको बोल दिया, उसको बोल दिया, उसको बोल दिया, उसको बोल दिया है, ये सब नहीं। उसी का काम है कि वही आके सारा हैंडओवर वापस करके जाएगा कि आपका ये जो आपने किया था ये देखिए, अकाउंट खोला था उसका ये रहा, लोन अप्लाई किया था उसका ये रहा। मतलब ही शुड बी एबल टू प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑल्सो, ही जस्ट शुड नॉट टेक द इनपुट ऑफ द कस्टमर, ही शुड ऑल्सो गिव द आउटपुट। सो वो सारा चीज को उसके इर्द गिर्द लाना पड़ेगा ना, मतलब जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसके सराउंडिंग में आपको चारों तरफ एक्टिविटीज को सजाने पड़ेंगे। अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली डिलेज होंगे। ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स इज लाइक दिस। दिस प्रिंसिपल आर्ग्यूज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव वन पर्सन परफॉर्म ऑल द स्टेप्स इन अ प्रोसेस। Design the job around an objective or outcome rather than a single task. Single task मतलब वो step को task बोल रहे लोग। पूरा काम ही एक ही जगह होना चाहिए। For example, at an electronics company, ये example is customer service representative takes a customer's order, translate the order into internal codes for order
आइटम्स कॉम्पोनेंट्स रिक्विजिशन रिसीव्स एंड असेंबल्स द आइटम एंड डिलीवर्स इट एंड इंस्टॉल्स देम. एक ही आदमी सारा चीज कर देता है. एज ए रिजल्ट वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द आइटम टू द कस्टमर एंड फॉर आंसरिंग कस्टमर क्वेश्चंस ड्यूरिंग द प्रोसेस. समझ गए क्या? सिंगल पॉइंट सोल्यूशन चाहिए. सिंगल पॉइंट सोल्यूशन वन पर्सन बेस्ड. ज्यादा आदमी होंगे तो देयर विल बी ट्रबल. अब वन पर्सन वो काम को करेगा कैसे? इट हैज टू बी गाइडेड बाय टेक्नोलॉजी. तो अमेज़न गो जैसा स्टोर जो है ना, उतना बड़ा बड़ा स्टोर चलाने के लिए 50 स्टाफ नहीं चाहिए. देयर कैन बी जस्ट 2 स्टाफ हु कैन मैनेज द एंटायर स्टोर. ओके, वन पर्सन सोल्यूशन पॉइंट आपको बनाना पड़ता है. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, हैव दोज हु नीड द रिजल्ट्स ऑफ अ प्रोसेस परफॉर्म द प्रोसेस. ये क्या इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से समझना. जैसे जिनको रिजल्ट चाहिए उनको भी प्रोसेस का थोड़ा काम करने दीजिए. जैसे एग्जाम्पल दीजिए. सेल्फ सर्विस वाला सिस्टम, वही डिपार्टमेंटल स्टोर एकदम बेस्ट सूटेड है. जनरली आप कोई शॉप में जाके क्या करते हो, शॉप का काउंटर पे ऑर्डर प्लेस कर देते हो, फिर अंदर से आदमी जाता है, खोजता है, लेके आता है, करेक्ट? अब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या किया, आप अंदर आ जाइए, एकदम अंदर तक, बाहर काउंटर पे क्यों खड़े, आप ही जाइए ना, आप ही चुन के ले आइए जो आपको चाहिए, खाली लास्ट में आके या पेमेंट कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे आप क्या क्या चुन के लाए. दिस इज हैविंग दोज हु नीड द रिजल्ट्स ऑफ अ प्रोसेस परफॉर्म द प्रोसेस. जब मान लीजिए खाना में बूफे सिस्टम आया ना, तो वो भी इस तरह का ही सिस्टम था. वहीं अदरवाइज ट्रेडिशनल सिस्टम आला काल्टा कि बैठ जाइए, जीवन कराने आएंगे, वेटर लोग आपको परोसेंगे. और बूफे सिस्टम में क्या है, आप अपना खुद जाके ले आइए, खाना सारा रख दिया है. तो आदमी कम हो गए, जिसको जो चाहिए वो ही वो ले लेगा. हैव दोज हु नीड द रिजल्ट्स परफॉर्म द प्रोसेस. अपना काम खुद करें, करेक्ट? सो यहां पर हैव दोज हु नीड द रिजल्ट्स इज लाइक योर कस्टमर्स. जैसे आप आजकल देखते क्या, ये कॉल सेंटर वालों को कंप्यूटर में प्रॉब्लम आया, फोन करना पड़ता है. कंप्यूटर में प्रॉब्लम आया या आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन में प्रॉब्लम आया तो फोन करते हम लोग. तो फोन करते ना, तो पहले क्या होता था, ओके डॉकेट नंबर लिखिए, आदमी जाएगा. बट आजकल पहली दफा में डॉकेट नंबर नहीं देंगे आपको, पूछेंगे क्या हुआ और आपको बोलेंगे आप ये करिए तो, ये करिए तो, ये करिए तो. Have those who need the outcome to perform certain part of the process. हो गया तो छुट्टी हुआ ना, करेक्ट? नहीं तो आदमी जाएगा, आदमी भेजने का ओवरहेड कॉस्ट बियर करिए. तो जिसने बुद्धि पहली बार सोच के यूज किया, ये बोलते इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में सबसे पहले यूज हुआ और अमेरिका में यूज हुआ. अमेरिका में लोग बहुत अजीब अजीब लेवल के होते हैं. मतलब एक मान लो वो खरीदा मिक्सर ग्राइंडर, चालू नहीं हो रहा है, तुरंत कॉल सेंटर में फोन कर दिया. कॉल सेंटर में फोन करके बोल रहा है कि माय मिक्सर इज नॉट वर्किंग, हैव टू सेंड सम पर्सन. नो, उधर ऐसे ही पॉपुलेशन का भाव है इतना, हर समय आदमी तो अवेलेबल ही नहीं है. तो उन लोगों ने वो मजबूरी में शुरू किया था कि ओके मैम वी आर सीइंग व्हाट इज योर प्रॉब्लम, नाउ लेट अस फॉलो वन सिंपल स्टेप बिफोर आई सेंड सम पर्सन टू इंश्योर वेदर यू हैव पुट द थिंग्स इन प्रॉपर वे और नॉट. सो हैव यू ओपन द बॉक्स? यस आई ओपन द बॉक्स. हैव यू असेंबल्ड इट दिस वे? यस आई असेंबल्ड इट दिस वे. नाउ व्हाट? नाउ इट इज नॉट स्टार्टिंग. सो हैव यू पुट इट ऑन द प्लग? यस आई पुट इट ऑन द प्लग. हैव यू स्विच इट ऑन? Oh my God, I'm not switched on. So, am I able to solve your problem, ma'am? Yes, thank you, thank you, thank you. बोल के फोन रख दिए. और नहीं तो आदमी छटपटा के तुरंत फोन कर देता है, और फोन कर देता है तो ठीक आदमी भेजते,
और आदमी भेजते तो बस हो गया कल्याण, करेक्ट। वैसे ही है कि सिंपल स्टेप्स उनको करने दिया जाए, उसके लिए मैनुअल बना दिया जाए या उसके लिए फोन पे असिस्टेंस दे दिया जाए, है ना। जैसे हम लोगों के पेनड्राइव क्लासेस में भी ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग पेनड्राइव क्लासेस है ना जिप करके देते हैं। अब जिप करके देते हैं तो बहुत बच्चों को एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता है, नहीं समझते एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब नहीं समझते। तो हम लोगों ने वैसे मैनुअल बना रखा है, यूजर मैनुअल है, उसको आप पढ़िए। बट यूजर मैनुअल में खाली एक ही चीज छूट गया था कि एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, बाकी सब लिखा हुआ था। तो होता है ना, इंसान ऐसे ही सोचता है कि यार कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो नहीं बताना है, और एक्सट्रैक्ट कैसे करना है फाइल्स को ये तो बताने का जरूरत नहीं, तो जिसको कंप्यूटर ऑन ऑफ करना आता है उसको तो आता ही होगा। बट इंटरेस्टिंगली नहीं आता है बहुत लोगों को। अब नहीं आता है तो तुरंत दो तरह के होते हैं, एक होता है फोन करके पूछे सर अगर आप गाइड कर देंगे तो हम लोग कर लेंगे, और दूसरा होता है मैंने ना 6 और टीचर की क्लास ली है, सबकी चल रही है आपकी नहीं चल रही है। तो, आपने एक्सट्रैक्ट नहीं किया, नहीं नहीं किसी और का एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ा मेरे को, सब एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन क्या होता है मेरे को नहीं पता, आपको करना पड़ेगा नहीं तो मैं चीटिंग का फ्रॉड का केस लगा दूंगा। अरे काम डाउन, आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं मैं कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं करने वाला, अपने कंप्यूटर में मेरा नया लैपटॉप है, मैं एक्सट्रैक्ट कैसे करूं, खराब हो गया तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, जो करना आपको करिए, मैंने और 6 क्लास ली हुई है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके में प्रॉब्लम आ रही है। अरे काम डाउन काम डाउन, आप एक्सट्रैक्शन क्या होता है ये आपको पता है, मुझे नहीं पता, कंप्यूटर वम्प्यूटर अपने को नहीं आता। वो सोच रहा है कि स्टाफ से बात कर रहे थे और इंटरेस्टिंगली मैं बात कर रहा था उस समय, तो मुझे ये पूरा वर्ड कन्वर्सेशन के साथ याद है। तो ठीक है आप काम डाउन होइए, मैं आपको हेल्प करता हूं। आप टीम व्यूअर नाम का सॉफ्टवेयर जानते हैं? कोई मुझे लगा कि वो भी वो नहीं जानता है, बट वो जान गया टीम व्यूअर। हाँ हाँ मैं डाउनलोड कर देता हूँ, फिर आपको जो करना है करिएगा, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल मत कर दीजिएगा, मेरा नया लैपटॉप खराब हो जाएगा। तो ठीक है आप शांति से बैठिए और हमें टीम व्यूअर दे दीजिए। तो मैंने इंस्टॉल कर दिया, ठीक, उसके बाद एक्सट्रैक्ट में लगा दिया और उसको बोल दिया कि एक्सट्रैक्शन होने के बाद ऐसा यहाँ पे एक फोल्डर बन के आएगा, तब आप मुझे फोन करिएगा, फिर मैं आपको वापस गाइड करता हूँ। तो मैंने उसका क्लास एक्टिवेट करके चालू करके दे दिया। अब अगला वापस फोन किया, सर थैंक यू के लिए फोन किया, चलो तुम्हारे में इतनी कर्टसी तो दी तूने थैंक यू के लिए फोन किया, तो मैंने भी सच रिवील कर दी कि आप सतीश सर से ही बात कर रहे थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका हेल्प करने का। ओ तेरी सर आप थे सर, सर एक बार बोलना था ना सर, एक बार कैसे बोलता, तूने बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो सर मैं तो सोचा कोई स्टाफ होगा क्या होगा, बोले ठीक है कोई बात नहीं है, पता तो चल गया। नहीं सर देखिए अब अपने सीए पढ़ रहे हैं, अपने को कंप्यूटर का क्या सी भी नहीं आता आप तो जानते हैं, और इंस्टीट्यूट में क्या आईटीटी सिखाते हैं आपको तो पता ही है, सीए वालों को थोड़ी उतना कोई ज्ञान होता है सर, आप समझते होंगे सर कंप्यूटर का ज्ञान थोड़ी होता है। मैं समझता हूं बट आपका काम अभी हो गया, अभी आप क्लास करो। बट होता है जैसे ये सब नादानियां ही है, तो उस समय अब हम लोग क्या चाहते कि यूजर मैनुअल का कॉन्सेप्ट क्या है, यू नो यूजर मैनुअल का कॉन्सेप्ट क्या है कि कस्टमर शुड बी एबल टू डू एटलीस्ट सम बेसिक पार्ट ऑफ थिंग, इफ रिक्वायर्ड देन वी विल सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव, सो दैट इज री इंजीनियरिंग, इफ यू डू दिस इट इज री इंजीनियरिंग। ठीक है यहां पे देखिए, इन एक्सचेंज फॉर द प्रोमिस ऑफ मोर टाइमली रिपेयर्स एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर आस्क्ड इट्स लार्ज कस्टमर्स टू परफॉर्म सम ऑफ देयर ओन रूटीन रिपेयर्स एंड टू कैरी द स्पेयर पार्ट्स इन्वेंटरी रिक्वायर्ड फॉर देयर ओन मशीन्स। नाउ कस्टमर्स मेक सम रिपेयर देमसेल्व्स यूजिंग स्पेयर पार्ट्स स्टोर्ड ऑन द साइट। द फील्ड सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हु हैड बीन मेकिंग ऑल रिपेयर्स आंसर कस्टमर कॉल्स एंड गाइड देम थ्रू अ रिपेयर प्रोसेस यूजिंग अ डायग्नोसिस सपोर्ट सिस्टम।
ये डायग्नोसिस सपोर्ट सिस्टम आईटी में पढ़ेंगे आप लोग। आईटी में आता था ये अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर्स डिजाइन किया जाता है विद अ मिशन। डायग्नोसिस सपोर्ट सिस्टम का काम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि उसमें एक प्रॉब्लम डाल दिया जाए तो वो उसके सजेशंस देते रहता है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अ कंप्यूटराइज्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम मॉनिटर्स द स्पेयर पार्ट इन्वेंटरी। फील्ड सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स आर डिस्पैच्ड ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। फील्ड सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स कब भेजा जाएगा? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए। अभी तो मैं भी लगा हुआ हूं यहां पे री इंजीनियरिंग करने में। री इंजीनियरिंग कैसे करना चाहता हूं मैं कि जो हमारा यहाँ का एनरोलमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी है। अगर उसको टास्क में तोड़े तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं। चार पांच तो अप फ्रंट होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के सामने होते हैं, और चार पांच फिर बाद में करने पड़ते हैं डेटा को कैप्चर करने के लिए। तो अभी वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है कि एक ऐसा ऑनलाइन लिंक बन जाए जिसमें स्टूडेंट जैसे ही आए उनको टैब वैब पकड़ा दिया जाए लिंक खोल के। एक आइकन बना हुआ है उसमें क्लिक करेगा लिंक खोलेगा। लिंक खोलेगा तो उसका नाम फोन नंबर उसको लेना है, और वो फोन नंबर में एक और प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे व्हाट आर द लैक्यूनस। अब आपने कोई फोन नंबर अपने हैंडराइटिंग में लिखा, तुरंत तो डेटा एंट्री करते नहीं उसका, बाद में करते हैं, वो 9 है कि 4 है समझ में नहीं आया और केस गड़बड़। तो ओटीपी वेरिफिकेशन तो है नहीं, तो तुरंत ही फोन नंबर लेके ओटीपी वेरीफाई किया, नंबर सही है, ओटीपी से डाला, कोर्स का डिटेल आया, अपना कोर्स सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके जैसे ऑनलाइन सिस्टम में है चेकआउट मारा, चेकआउट मार के ऑप्शन दिखाया पे बाय कार्ड, पे बाय कैश, पे बाय चेक। तो चेक है तो चेक डिटेल्स भर दिया, कार्ड है तो कार्ड डिटेल्स भर दिया, कैश है तो कैश का डिटेल्स कुछ नहीं भरना, बेसिकली काउंटर पे जमा करना। ओके किया एंड देन मनी रिसीट कैश वाला है तो काउंटर से मिलेगा, और इन चेक वाला है तो काउंटर से मिलेगा, एंड अगर कार्ड का पेमेंट है तो वहीं से ऑनलाइन गेटवे में चला जाएगा, कार्ड नंबर डालेगा, वेरीफाई होगा और पिन नंबर से वो काम हो जाएगा। उसके बाद वहीं से उसको ईमेल चला जाएगा इनवॉइस का, मनी रिसीट प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा, और वो जो डेटाबेस पीछे में आएगा वो डेटाबेस इतना ऑर्गेनाइज्ड होगा कि उसके पीछे कोई एंट्री करने का जरूरत ही नहीं। बैक ऑफिस वर्क 5 से 0, और फ्रंट ऑफिस में कस्टमर यानी स्टूडेंट ही आके जिनको आउटकम चाहिए वही मैक्सिमम काम कर लिया, उसी में एक मार्किंग कर देगा कि रिसीव्ड स्टडी मटेरियल और नॉट, तो उसी में वो वहां पे मार्किंग कर देगा, तो वो पेंडिंग है तो पेंडिंग में दिखा देगा, और अगर रिसीव्ड है तो रिसीव्ड में मार्क हो जाएगा एंड द वर्क इज डन ऑटोमेटिकली। तो ये री इंजीनियरिंग है जिसमें आप उन लोगों को इन्वॉल्व करके उनसे उनका काम करवा लो, करेक्ट। वैसे ही हमारे कॉफी मशीन वाले सिस्टम में भी यही हमने किया। हमें पहले वो सजेस्ट कर रहा कि सर एक आदमी रखना होगा आपको, ऐसे होगा नहीं, मतलब आदमी रखना हम चाहेंगे नहीं, आप मशीन मत दीजिए मुझे। तो सर कैसे होगा? कॉइन सिस्टम, सिंपल। मतलब कॉइन सिस्टम का मशीन सर आता नहीं है, बनाना पड़ता है। मतलब बनाइए, ये मशीन बनाया गया है कॉइन सिस्टम के लिए, इसके कॉइन स्पेसिफिकली डिजाइन करके बनाया गया। मतलब ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं इनके पास, वो एक अलग स्पेयर पार्ट अटैच करना पड़ता है। कॉइन सिस्टम वाले मशीन यूजुअली रेडिली अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली कॉफी मशीन वगैरह ऑफिस में लगते हैं जहां पे लोग जाते हैं अपना जितना पीना है जो लेना है ले आते हैं, या फिर कोई कैफे वैफे में रहता है, कैफेटेरिया में रहता है, तो वो लोग आदमी रहता है, अटेंडेंट रहता है, तो कॉइन वाला ज्यादा यूज नहीं आता। मतलब मुझे तो कॉइन वाला ही चाहिए, तो कॉइन बनाने का और मशीन का स्पेयर पार्ट का एड ऑन का एक्स्ट्रा चार्ज लिया, बट एक्स्ट्रा चार्ज वॉज मच लेसर देन द एनुअल कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। कॉइन सिस्टम बोले सर उससे फिर मैनिपुलेशन होगा, कोई कॉइन ले जाएगा तो कितना लॉस होगा वो कैलकुलेट कर लिया, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो स्टिल कॉइन सिस्टम हैव दोज हु विल नीड द आउटकम टू परफॉर्म देयर जॉब। तो आप जाइए अपना ग्लास निकालिए, अपने आप बटन दबाइए, अपने आप अपना आउटपुट लेके चले जाइए। इंटीग्रेटिंग द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द वर्क प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन
ये वही फोर्ड का प्रोक्योरमेंट वाला एग्जाम्पल है दोस्तों। फोर्ड का जो प्रोक्योरमेंट वाला एग्जाम्पल था ना, कि रिसीविंग डिपार्टमेंट जो है वो ही इतना डिटेल कैप्चर कर लिया कि वहीं से इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, इनवॉइस वापस भेजने का दरकार नहीं, परचेज डिपार्टमेंट का फंक्शन ही खत्म कर दिया। तो इंटीग्रेटिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन टू द वर्क प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशन, बेसिकली यू कैन से कैप्चरिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एट सोर्स, कैप्चरिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एट सोर्स, कैप्चरिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एट सोर्स। वापस दूसरा जगह जाने का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट लाइन, सॉरी, ट्रीट ज्योग्राफिकल डिस्पर्स्ड एक्टिविटीज, डिस्पर्स रिसोर्सेज एज दो दे वेर सेंट्रलाइज। ये थोड़ा सा हाई लेवल का है। नाउ व्हाट इज दिस, मतलब ये हर किसी के बस का नहीं है इमीडिएटली सोचना। जैसे एक कंपनी है जिसका डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम मतलब वहां के जितने उसके डिविजन्स बनाए हुए या ब्रांच बनाए हुए सब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, अपना खुद प्रोक्योरमेंट करो, खुद प्रोसेसिंग करो, सिस्टम सिखाया हुआ है, खुद बेचो। तो जब ऐसा कोई करेगा डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, तो सबका रिक्वायरमेंट थोड़ा 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 होगा ना, तो वो लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एक ड्रॉबैक, सब इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं, सब अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा खरीद रहे बेच रहे, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। इस जबकि ओवरऑल वॉल्यूम जोड़े है ना सारा डिसेंट्रलाइज यूनिट्स का, सेंट्रलाइज करके जोड़े तो बहुत सब्सटेंशियल वॉल्यूम है, जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत अच्छा मिलता। तो एचपी ने अपना डिफरेंट डिसेंट्रलाइज यूनिट्स का रिक्वायरमेंट को सेंट्रलाइज किया, और सेंट्रलाइज करके बल्क वॉल्यूम जनरेट किया, और उस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन परचेजिंग प्रोक्योर किया, और उसके बाद डिलीवरी पॉइंट सबके बता दिए गए सप्लायर को कि यहां यहां ये भेजना है। मतलब समझ रहे क्या किया, सिस्टम के थ्रू सारा रिक्वायरमेंट को सेंट्रलाइज किया, और सेंट्रलाइज करके उस बल्क क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया, डिलीवरी पॉइंट्स अलग अलग कर दिया, तो सबका काम भी हो गया और डिस्काउंट भी मिल गया। दैट वॉज अ काइंड ऑफ री इंजीनियरिंग ओनली, बट इट इज नॉट ऑब्वियसली अवेलेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज। जिसका डिसेंट्रलाइज डिविजन है उनके लिए ये सब काम हो सकता है। एग्जाम्पल में एचपी ने, एचपी टू अवेल बल्क डिस्काउंट, मेड अ सेंट्रलाइज परचेजिंग सिस्टम, ओके। देन नेक्स्ट लाइन, पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग देयर रिजल्ट्स। नाउ व्हाट इज लाइनिंग पैरेलल एक्टिविटीज, ये भी थोड़ा सा हाई लेवल ऑपरेशंस में समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लोन एप्लीकेशन करते हैं बैंक में, तो लोन एप्लीकेशन करते वक्त बहुत सारा एक्टिविटीज एक साथ शुरू होता है। इधर एक टीम बैठ के आपका फॉर्म का डिटेल भर देता है तुरंत, उसके बाद वो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह को एनालाइज करता है, जो इंटरनल जॉब्स है, जो आपने अदर डॉक्यूमेंट्स दिए कि मैं यहां रहता हूं, मेरे ऑफिस यहां पर है, उसको वेरीफाई करने का काम कोई और करता है, वो पैरेलली चल रहा है। तो पैरेलली चल रहा है, तो जैसे ही इसका काम खत्म हुआ, जो बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज कर दिया, वो अपने सीनियर को रेफर कर देता है, तब तक हो सकता है वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक। अगर आपने कोई सिक्योरिटी दिया है तो फिर उसका वैल्यूअर होगा जो उसका करेक्ट वैल्यू डिटरमाइन करेगा, वो एक थर्ड एक्टिविटी पैरेलली चल रहा है। मल्टीपल एक्टिविटीज आर रनिंग पैरेलली टू ब्रिंग वन आउटकम। नाउ एज सून एज एनी क्रिटिकल फाइंडिंग कम्स इन एनी ऑफ द एक्टिविटी, इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द एक्टिविटीज सो दैट इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन। तो जैसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाला आदमी बोला भैया दो नंबरी लग रहा है, एकदम क्लियर शॉट है, यहां पे रिपोर्ट बहुत खराब है, तो आगे का सारा एक्टिविटीज वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए। इंस्टेंट एक्शन, दैट इज लाइनिंग पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ
इंटीग्रेटिंग द रिजल्ट्स, मतलब पहले क्या करते थे, सबका रिजल्ट लेके इकट्ठा करते थे, बट रिजल्ट आने तक प्रोसेसिंग फॉल्स हो गया झूठ मूठ का। मान लीजिए वैल्यूअर इतना मेहनत कर बैठा, तब जाके पता चला कि लोन प्रोसेस करना ही नहीं था। तो जैसे ही कोई क्रिटिकल फाइंडिंग आएगा, वो इंस्टेंटली सबको रिपोर्ट कर दिया जाएगा और वो काम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, तो बहुत कॉस्ट बचेगा। करेक्ट, एक बार पढ़िए इस पॉइंट को। समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन नेटवर्क, शेयर डेटाबेस एंड टेलीकॉन्फ्रेंस टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज दैट मस्ट इवेंचुअली कम टुगेदर। नेक्स्ट, पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म्ड। जैसे एग्जांपल में, सबका एग्जांपल ही बेस्ट सेवियर है। देखिए, एग्जांपल बिना याद नहीं रहेगा चीज। लोन एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने यहीं से आपको डिटेल करके समझाया। पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म एंड बिल्ड कंट्रोल्स इन टू द प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदमी काम कर रहा है उसको डिसीजन लेने का हक दिया जाए। एंड वो कैसे लेगा डिसीजन? वो डिसीजन ऐसे लेगा कि उसके पास एक डेटाबेस होगा, उससे वो मिला लेगा। वो एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं उसको। एक्सपर्ट सिस्टम मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें वो आपका डिटेल डालेगा, तो उसको बताएगा कि सिस्टम में क्या दिखा रहा है। जैसे शॉपिंग मॉल में हम लोग जाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि डिस्काउंट नहीं भी चल रहा हो तो किसी प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिल जाए तो मजा आ जाए। समझ में आ गया प्रोडक्ट, डिस्काउंट का लालच में घुस तो जाते हैं, बट जो पसंद आता है वो बिना डिस्काउंट वाला होता है, नॉर्मल रूल। तो अपने उसमें उसको पुश करते हैं, अरे इसमें तो कुछ तो डिस्काउंट देना होगा। और है कौन, किससे पूछ रहे? कोई मैनेजर से जिसका हक है डिस्काउंट देने का, उससे तो पूछ नहीं रहे। किससे पूछ रहे? नॉर्मल सेल्समैन से। तो नॉर्मल सेल्समैन अगर बोलेगा सर हमको मालूम ही नहीं है, हम पूछ के बताता है, तो झूठ मूठ का एक टाइम कंज्यूमिंग अफेयर, वेटिंग टाइम, कस्टमर लॉस, माइंड चेंज कर लेगा उतना देर में। तो उसके पास ऐसा डेटाबेस होना चाहिए जिसमें कुछ एंट्री मार के देखेगा कि वाकई में डिस्काउंट देना है कि नहीं। दैट इज एक्सपर्ट सिस्टम, जिसमें यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड इट विल रिप्लाई। तो इंस्टेंटली वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करेगा और बोलेगा कि सर इसमें अभी कोई डिस्काउंट नहीं हो सकता, ये मैं क्या यहाँ पे कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये सिस्टम में अपडेटेड नहीं है इस तरह से कि इसमें डिस्काउंट है। अगर होता तो यहां दिख रहा होता तो हम आपको तुरंत दे देता। मतलब ये चीज ऐसा ना हो कि प्रोटोकॉल में आप इसको पूछने गए, उसको पूछने गए, उसको पूछने गए, फिर दैट सुप्रीम पर्सन विल टेक द डिसीजन। सारा डिसीजन मेकिंग यहीं पे डाइवर्ट कर दो। अगर यहां पे कोई कंफ्यूजन है कि सर कैसे देखे, तो वो मैनेजर आके सिखा देगा कैसे देखे। मैनेजर आके ये नहीं बताएगा कि तुम आके हमसे पूछो। मैनेजर इज नॉट सपोज टू टेक डिसीजन, मैनेजर सपोज टू फैसिलिटेट हाउ टू यूज द सिस्टम। अंडरस्टूड? एंड डिसीजन कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में है तो दे दीजिए, नहीं तो है मत दीजिए। करेक्ट? सो दैट इज द थिंग हियर। पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म्ड एंड बिल्ड कंट्रोल्स इन टू द प्रोसेस। कंट्रोल्स मतलब मैनेजर आके सब चेक करेगा, सब ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए ना, शॉपिंग मॉल। जूनियर सेल्समैन कैन चेक द सिस्टम वेदर एनी डिस्काउंट कैन बी गिवन। जूनियर सेल्समैन कैन चेक द सिस्टम वेदर एनी डिस्काउंट कैन बी गिवन। ठीक है? एंड हिज सीनियर शुड फैसिलिटेट
द यूज ऑफ द सिस्टम. His senior should facilitate the use of the system. फिर ये कैप्चर इंफॉर्मेशन वंस एंड एट द सोर्स एंड स्टोर इट एन ऑनलाइन डेटाबेस. So that anyone can use it. ऐसा ही होता है ना आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में. सर अपना नंबर बोलिए सर. डोमिनोज में पिज्जा ऑर्डर करने के. सर काइंडली टेल योर नंबर. मोबाइल नंबर बताते ही. सर एम आई टॉकिंग टू. सर इज दिस योर एड्रेस. ओके सर. शुड बी डिलीवर टूडे एट दिस एड्रेस. नाउ काइंडली प्लेस द ऑर्डर. So what is it? Where is the data? Data is an online platform where anyone can use that data. Right? देखिए principles of BPR मतलब ये नहीं होता कि इतने सारे होंगे तो BPR होगा. मतलब these are guiding, you can say guidelines where you can have BPR using one or multiple of all these principles. Then main stage of BPR are again four stages. One is process identification, two is process rationalization, three is process redesign, fourth is process reassembly. मतलब अब आपने सारे principles समझ लिए, आपने उसके four components को समझ लिया, तो अब आप BPR करो. अब BPR करने के लिए आपको target करना होगा किसमें आपको करना है, यानी process identification. Then उसके बाद रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन मतलब आप फिल्टर करो कि उसमें कौन कौन से टास्क हटा देंगे, कौन कौन से टास्क को रखेंगे, वैल्यू एडिंग कौन सा है, नॉन वैल्यू एडिंग कौन सा है. रैशनलाइजेशन मीन्स आइडेंटिफाइंग वैल्यू एडिंग एंड नॉन वैल्यू एडिंग. और उसके बाद उसको रीडिजाइन करके रीअसेंबली मतलब इम्प्लीमेंट कर दीजिए. ओके तो आइडेंटिफिकेशन में यू राइट प्रोसेस का डिटेल बनाओ. डिटेल्स ऑफ प्रोसेस इन सेवरल टास्क. पूरा आप ब्रेकअप के साथ देखो कि आप जिसके पीछे पड़े हो अभी वो एक्चुअली क्या डिमांड कर रहा है इन करेंट सिनेरियो. सेकेंड इज रिमूविंग या एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज. रैशनलाइज करना मतलब एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज. रीडिजाइनिंग इज क्रिएटिंग न्यू प्रोसेस. Creating a process with its value adding activities. And lastly, reassembly matlab implement. ठीक है. फिर पूरा फोर्ड मोटर कंपनी का एग्जाम्पल यहां पे दे रहा है. प्रोक्योरमेंट वाला एग्जाम्पल जो मैं ऊपर से ही बताते आ रहा था, जिसमें बोल रहा था कि 500 आदमी थे तो उन्होंने टारगेट लिया कि 400 भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बट उससे बीपीआर नहीं होता. बट इनको क्या लगा कि माजदा करके एक जापानीज कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, जापानीज ऑटोमेकर माजदा गाड़ियां आती हैं इनकी भी, उनके 5 लोग ही हैंडल कर रहे थे पूरी कंपनी को, तो ये उनको शॉकिंग लगा. तो अल्टीमेटली दे टारगेटेड दैट इट शुड बी लेस देन 100 रादर देन 100 इट ओरिजिनली प्लान्ड. तो 400 में खुश हो रहे थे, मतलब 100 कम करना चाह रहे थे पहले, अब बोले 100 ही लाना है तो कैसे होगा. पहले उनको 14 डिफरेंट डेटा एग्जामिन करने पड़ते थे, बट बाद में उन्होंने सारे सोर्स पे ही वेरिफिकेशन कर लिए तो उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया. पूरा कहानी यहां पे लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट
और इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यहां पर भी बाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और प्रोसेस इंप्रूवमेंट को लेकर, प्रोसेस इनोवेशन को लेकर। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है और प्रोसेस इनोवेशन क्या है, उसका डिफरेंस। इनोवेशन मे और मे नॉट बी एफिशिएंट, बट बीपीआर हैज टू बी एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ डूइंग द थिंग्स। ओके, इसका समरी जो यहां पे बनाया हुआ है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब एक बार रफ आइडिया के लिए अगर आप इसको पढ़ते हो तो सारे चीज रेजुविनेट हो जाते हैं। जैसे यहां से समझ में आ गया, अब मान लीजिए डे बिफोर एग्जाम आपको एक फील चाहिए कि और अच्छा से थोड़ा सा पढ़ ले, बट उतना अंदर में घुस के पढ़ने का वक्त नहीं है, तो आप ये समरीज को फॉलो कर सकते हैं। क्या होता है वही, जितना ज्यादा वर्ड्स पढ़ के जाओगे उतना क्वालिटी आंसर्स लिख पाओगे। अगर आप खाली समझ के जाओगे तो आंसर क्लिक तो करेगा, लिखने को नहीं बनेगा। तो दैट इज द बेसिक रूल। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया, लीन सिस्टम एंड प्रोसेस इनोवेशन, जिसमें इनोवेशन के साथ साथ बीपीआर के बारे में भी बात हो गई। ओके, तो लेट्स टेक अ ब्रेक।